की बर्फी एकदम रेडी हो गई है, एक हम निकालते हैं। देखिए कितना परफेक्ट हुआ है ना, एकदम लुकिंग भी अच्छा है और खाने में तो है ही। मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ, देखिए एकदम बेहतरीन हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, फैमिली को खुश करिएगा, एकदम परफेक्ट है। इस बर्फी को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी। बारिश के सीजन में लौकी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए देखते हैं रेहाना किचन में किस तरीके से बना है ये लौकी की बर्फी। चलिए बनाते हैं आज लौकी की बर्फी, जो बहुत बेहतरीन होगी, सबको पसंद आएगा। तो बिना कंडेंस मिल्क और बिना मावे की ही बर्फी बनेगी। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया है 1/2 kg से ज़्यादा लौकी है, थोड़ा सा। और लौकी ना खूब ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, और फ्रेश लौकी लेंगे। तो इसे सबसे पहले हम इस तरीके से छील लेते हैं फटाफट। हमने छील लिया है, यहाँ साइड का इतना निकाल देंगे और इस साइड से भी इतना इतना हम निकाल देंगे अच्छे से। बिल्कुल कच्ची लौकी है तो फ्रेश कच्ची लौकी लेना है। देखिए एकदम इस तरीके का हो, तो इस तरीके से हम इसमें 3 कट लगा लेंगे और बीच से इसे इस तरीके से कट लगाते हैं। तो एकदम परफेक्ट ऐसी लौकी होनी चाहिए। और ये बीच में वैसे तो बारीक गूदा है, तो फिर भी हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ का जो थोड़ा सा गूदा है हम निकाल देंगे। गूदा इसमें हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये तो ये जब हम बर्फ़ी बनाएंगे ना तो ये काफ़ी गल जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा कि बर्फ़ी हमारी परफेक्ट नहीं बनेगी, तो इसलिए हम गूदे को निकाल देते हैं इस तरीके से। गूदे को हम फेंकेंगे नहीं, आप चाहो तो सूप बना के पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। यह बारीक बारीक काट के इसको किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं। निकाल लिए हैं तो इसे फटाफट हम पानी में डालेंगे, नहीं तो लौकी तुरंत काली पड़ने लगती है। बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे सारे लौकी को देते हैं। और एक प्लेट लेंगे और एक कद्दूकस लेंगे। तो कद्दूकस हमें किस चीज़ पे करना है, ये मोटा वाला है तो मोटा पे भी नहीं करना है, बिल्कुल बारीक वाले पे नहीं करना है, बीच वाले पे करने हैं। तो एक हम इस तरीके से लौकी को उठाएंगे और इस तरीके से हम इस पे कद्दूकस करते जाएंगे। हाथों को बचा के करिएगा। देखिए इस तरीके से लच्छे निकलेंगे, तो हम कर लेते हैं फटाफट। परफेक्ट हो गया है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन हुआ है। कद्दूकस करने के बाद इसमें बहुत सा पानी है, तो हमें इसी तरीके से नहीं बनाना है, इसका पानी निकालना है। तो एक बर्तन रख लेंगे और इस तरीके का अगर छन्नी है तो ले लीजिए, नहीं तो हाथ से या कपड़े के हेल्प से इसे पानी निकालना है। पानी निकाल के जब बनाएंगे तभी बेहतरीन बर्फी बनेगी, नहीं तो बर्फी आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसके बाद कोई हैवी चीज़ ले लीजिए, देखिए इस तरीके से दबाएंगे सारा पानी निकल लेगा, या कोई सूती कपड़ा ले लीजिए उससे भी अच्छे से निकल जाते हैं। हाथों में इस तरीके से रिजल्ट आएगा, मुट्ठी से मुट्ठी में ले लीजिए और इस तरीके से हमें हाथों से निचोड़ना है। देखिए कितने अच्छे से गिर रहे हैं ना इसी तरीके से, और ये परफेक्ट है। तो इसी तरीके से हम सारा कर लेंगे, सारा हो गया, देख सकते हैं कितना पानी आ गया है। इसी तरीके से हाथों से ही करिएगा, परफेक्ट रिजल्ट आएगा। फेंकिएगा मत, चाहे आटा गूंथने में यूज़ कर जाइएगा या इसी तरीके से आप इसे पी भी सकते हैं, कद्दू का जूस बहुत फ़ायदा करता है। सारे इस तरीके से खोल लेंगे तो देख सकते हैं एकदम भर भरा हुआ है ना, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो फटाफट हम चलते हैं गैस पे। कोई खुला बर्तन लेंगे और कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अच्छे से गर्म हो गई तो हम यहाँ से 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी ले लेंगे।
देसी घी में ना बर्फी हलवा कुछ भी बहुत अच्छा बनता है। या डालडा या रिफाइंड ले सकते हैं, वैसे देसी घी ही लीजिएगा। इसके अंदर हम सारे कद्दूकस किए लौकी को डाल देंगे। मीडियम रखना है और इसे लगातार चला के हमें भूनना है, जिससे अच्छे से खुशबू और शाइनिंग आए, जो क्रंची वाले खिले खिले लौकी जो हम कद्दूकस किए हैं वो हो, चिपके ना एक में। जब बर्फी बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, तो ये ज़रूर आप करिएगा। देख सकते हैं घी के साथ कितना अच्छा कलर आने लगा है, एकदम खिले खिले होने लगे हैं इस तरीके से। तो हमें 3 से 4 मिनट तक घी से अच्छे से भून लेना है। ये आप ज़रूर अच्छे से करिएगा, तभी आपकी बर्फी बहुत बेहतरीन बनेगी। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। एकदम अच्छे से पूरा घी निकल चुका है, देख सकते हैं एकदम शाइनिंग आ गई है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि दूध लेंगे। दूध हो सके तो आप भैंस का या मिल्क वाला लीजिएगा। मैंने अमूल का लिया है, गाढ़ा दूध लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ, आप चाहो तो 1 कप भी दूध कर सकते हैं। अब इसे हम दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। घर की फ्रेश मलाई है, थोड़ा सा डालूंगी। एक बार ज़रूर डालिएगा, जिससे क्रीमी क्रीमी बर्फी एकदम बनेगी। क्योंकि हम यहाँ पे मावा यूज़ नहीं करेंगे, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दूध से भी परफेक्ट बनेगा। तो इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, लगातार देख सकते हैं घिया का भी कलर चेंज होने लगा है, एकदम परफेक्ट। तो इसी तरीके से बीच बीच में हमें चलाते रहना है। आधा हो जाए तो हम ले लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। एक बार मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, बहुत बेहतरीन होगा। तो हमें एक साथ मिल्क पाउडर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। जो मावे वाला टेस्ट है ना, इसी मिल्क पाउडर से ही पूरा होगा एकदम। तो देख सकते हैं कितना क्रीमी होने लगा है ना, तो ये चीज़ आपको भी करना है। साथ ले लेंगे हम गरी का बुरादा, इसको भी हम मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छा होता है इसके साथ, है तो ज़रूर डालिएगा एक बार। ले लेंगे इलायची का पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। हम चीनी, तो चीनी देख सकते हैं 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा, ये परफेक्ट होगा। जिस हिसाब से मेजर कप से हम सब कुछ चीज़ डालते हैं, उसी हिसाब से चीनी डालिए तो एकदम मीठा परफेक्ट होगा। तो इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है, तो इसलिए लास्ट में डालेंगे। देखिए कलर भी चेंज होने लगता है चीनी डालने पर। थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी ग्रीन, जिससे लौकी के बर्फी का कलर एकदम बेहतरीन आएगा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही मैं डालूंगी, जिससे एकदम परफेक्ट कलर बनेगा। आपके पास लिक्विड वाला है तो लिक्विड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम परफेक्ट कलर हो गया ना। कैसे स्टेज पे लाना है, कढ़ाई एकदम छोड़ दे चारों तरफ से, तभी बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यही करते रहना है कंटिन्यू। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट को पल्स मोड पे कर लिया है, इसे ज़रूर डालिएगा एक बार, बहुत टेस्टी होगा। तो लास्ट स्टेज पे हम इसे डालेंगे और मिक्स कर सकते हैं। कढ़ाई छोड़ने लगा है तो यहाँ पर प्रॉपर कंटिन्यू ध्यान देना है, एकदम बेहतरीन तरीके से जब छोड़ने लगेगा तो बर्फी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, सिर्फ सावधानी से इसको स्पैचुला से आप चलाते रहिए, यही करना है। तो मेरे किचन में एकदम खुशबू इलायची की और फ्लेवर की एकदम बेहतरीन आ रही है। इस तरीके से धीरे धीरे कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम फ्रेंड घबराएंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लेम को लो करेंगे, एकदम ये एक जगह आके जब लिपट जाएगा बिल्कुल, तब जाके बर्फी एकदम रेडी होगी। अभी हमें इसी तरीके से प्रॉपर चलाते रहना है, जिससे नीचे पकड़े ना
और एकदम बेहतरीन आपकी बर्फी पहली बार में ही बेहतरीन बने। फ्रेंड्स मैं केक टेन ले ली हूँ, आपके पास जो बर्तन हो उसको करिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा ली हूँ साइड साइड में, जिससे इसमें चिपके ना, एकदम बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा। देख रहे हैं एकदम एक जगह लिपट गए हैं, तो ये परफेक्ट हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स इसको बनाने में 20 से 25 मिनट टोटल लगता है, एकदम बेहतरीन बर्फी बन जाता है। और जो बर्फी घर पे बनती है मार्केट में वो कहाँ मिलेगी, आप खुद बनाइएगा इस रक्षाबंधन पे ज़रूर। अंदर हम फटाफट इसे डालेंगे, इसे अंदर कर लेंगे और एक कटोरी लेंगे और घी लगा के इस तरीके से हम बर्फी का शेप देंगे। इसे स्पैचुला से हम चारों तरफ एकदम बराबर कर लेंगे। जब ये ठंडा होगा और बर्फी आप जब किसी को खिलाएंगे ना, तो इतनी तारीफ आपको मिलेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान होता है। और इस सीज़न में लौकी खूब बढ़िया मिलना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम को बारीक कट कर लिए हैं और इसे इस तरीके से गार्निश कर देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इसे कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा इसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो एकदम परफेक्ट है ना, देख सकते हैं। तो इसे हम छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। ये एकदम सेट हो गई है, देख सकते हैं पंखे के नीचे हमने छोड़ दिया था, एकदम बेहतरीन हुआ है। तो इसमें हम कट लगाएंगे, तो कट आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सीधा एकदम सिंपल आसान करूंगी। अब इधर से हम लगा लेंगे। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जमी हुई है, निकल नहीं रही है। तो इस तरीके से मैं कट करके थोड़ा सा और छोड़ दूंगी इसे। तो घिया की बर्फी एकदम रेडी हो गई है, एक एक करके हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो देखा ना रेहाना किचन में कितने आसानी से बन गया लौकी की बर्फी, जो बच्चे भी टूट पड़ेंगे और कोई गेस्ट आए तो आप खिलाएंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे बना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।